सैपऊ के ऐतिहासिक महादेव मेले का हुआ शुभारंभ। जिला कलेक्टर और विधायक ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर की जिले में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना। एसपी ने लिया मेले की व्यवस्थाओं का जायजा। सैपऊ में ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर आयोजित होने वाले 10 दिवसीय लक्खी मेले का गुरुवार को आगाज हो गया है। ग्राम पंचायत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने मंदिर पर पहुंच पूजा अर्चना कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा मंदिर के पास यात्रियों के लिए बनाए गए विश्राम गृह का भी विधायक जसवंत गुर्जर ने फीता काटकर लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पहुंचे धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और विधायक जसवंत गुर्जर ने मंदिर में शिव आराधना की। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित कर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। भगवान शिव को शीश झुकाकर मनोती मांगी और क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि की कामना की। इसके बाद विधायक जसवंत गुर्जर व कलेक्टर श्रीनिधि ने मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम साधना शर्मा भी साथ मौजूद रही। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने भी शाम के समय मेले में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात रहते हुए हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए। ग्राम पंचायत व प्रशासन के द्वारा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें कि सैपऊ उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने एक दिन पूर्व भी व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण किया था। करीब 700 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिर पर मेले की पुरानी परंपरा है। यह जिले का सबसे बड़ा मेला है। मान्यता के अनुरूप यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। वहीं बड़ी संख्या में कांवड़िए भी सोरों से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना कर मनोती मांगता है उसकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर मंदिर प्रांगण में रात्रि जागरण कार्यक्रम होगा। वहीं मंदिर में दीप दान का भी विशेष कार्यक्रम रहेगा। ये महाशिवरात्रि का ऐतिहासिक मेला है, 150 साल पुराना मंदिर है। इसको लेकर के बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। लक्खी मेला लगता है यहाँ पर। इसको लेकर के हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। बिजली की पूरी व्यवस्था है। सारे तार वार के लिए हमने JEN अभियंता वगैरह सबको आदेशित कर दिया गया है। सब ने चेक कर लिया है। कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। रेवेन्यू से और शिक्षा विभाग से सबके तीन तीन पैरों में ड्यूटी लगा दी है। अच्छी पार्किंग व्यवस्था कर ली गई है। मंदिर में भी अंदर बैरिकेड्स की व्यवस्था कर ली गई है। पुलिस की पूरा अच्छा जाब्ता हमें मिल रहा है, सहयोग जिला कलेक्टर महोदय के सहयोग से। और आशा है कि सभी श्रद्धालु अपने आए और यहाँ पे पूजा अर्चना करें। शाम को जागरण का प्रोग्राम क्या है ग्राम पंचायत की ओर से और उसका लाभ प्राप्त करें। मेले में शांति व्यवस्था रहे उसके लिए आमजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब आए, बाबा का मेला है, महादेव बाबा का मेला है, आए पूजा करें और श्रद्धा से अपन शाम को दीपदान करें। और यही हमारे लिए कि सबसे शांति व्यवस्था बनाए रखे। कोई किसी को दिक्कत आए तो मुझसे तहसीलदार जी से या SHO महोदय से बात करें और शांति से इस मेले को संपन्न करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। SP ने सैपऊ लक्खी मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने महाशिवरात्रि से जिले के सैपऊ कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर लगने वाले लक्खी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर पुलिस और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। SP ने मेले में लगने वाले बाजार, मंदिर प्रांगण का CO सैपऊ बाबूलाल मीणा और थाना प्रभारी गंभीर सिंह के साथ भ्रमण कर व्यवस्थाओं के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। मेले की भौगोलिक स्थिति को देख कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पॉइंट निर्धारित कर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक को निर्धारित किए गए पार्किंग स्थल, पुलिस कंट्रोल रूम, कांवड़ियों का प्रवेश द्वार, आम श्रद्धालुओं का प्रवेश द्वार एवं मंदिर के अंदर सुनियोजित की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मेले में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रहे। मेले के अंदर किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। खेरागढ़ में दर्दनाक हादसा, बारात में बैंड से टकराई हाई टेंशन लाइन, करंट लगने से 3 की मौके पर ही मौत, 1 घायल।
धौलपुर जिले से सटे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना खेरागढ़ क्षेत्र में बुधवार शाम करीब 7 बजे ग्राम पंचायत बरबर सालेह नगर के नगला गिरधारी सिताब में सरकारी स्कूल के पास हाई टेंशन लाइन से बैंड में करंट आ गया, जिससे 3 बैंड कर्मियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक किशोर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव नगला गिरधारी सिताब में बारात चढ़त के दौरान सामने से आ रहे वाहन को रास्ता देते वक्त बैंड का ऊपरी हिस्सा हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इसी के दौरान बैंड को खींचने वाले 3 व्यक्तियों की करंट लगने से मौत हो गई, वहीं एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें खेरागढ़ CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चौकीदार अचल सिंह उम्र 65 वर्ष, पुत्र चौप सिंह निवासी बरबर थाना खेरागढ़, संतोष पुत्र राम स्वरूप उम्र 20 वर्ष निवासी सालेह नगर जाटब बस्ती खेरागढ़ तथा लोहरे पुत्र सामंता राम उम्र 52 वर्ष निवासी भिलावली थाना खेरागढ़ जिला आगरा को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में 14 वर्षीय किशोर सचिन पुत्र बॉल सिंह निवासी भिलावली घायल हुआ है। मौत से गुस्साए ग्रामीण शव रख कर किया विरोध प्रदर्शन। बारात चढ़ाई के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही से हुई 3 बैंड कर्मियों की मौत से ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ शव रख कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकारी मुआवजे की मांग पर अड़ गए तथा दाह संस्कार करने मना कर दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे ACP खेरागढ़ इमरान अहमद ने ग्रामीणों को समझाते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया तथा 1-1 लाख रुपए का चेक मौके पर ही देकर मामला शांत कराया। फर्स्ट ट्रैक के लिए खेरागढ़ से शिवम पचौरी की रिपोर्ट। हम मोड़ा का रिवाय बिताऊ मो कर रहे बराती नवा। अच्छा ठीक, फिर और फिर बाबा ताच में गो आते काई चीज को तार छमो बाबा 11 को बैंड ते छमो जे तुम रहिन दे ऊपर है भाई। हां ठीक है, तो तुम बैंड पे ही है के बैंड ते कैसे कछुआर पकड़ रहे हो? दूर है हम बागे बाहर ट्रक आ रहे नहीं है तो वो पकड़ लियो उन्हें। अच्छा तुम 3-4 लोग यू? हां यानी बैंड तो छमे भाई यानी कुल मिला के भाई ये बैंड के नहीं दिखी और जे 3 लोग बैंड पे ही है। अब महाशिवरात्रि और होली पर भी मिलेंगे दीपावली जैसे आकर्षक उपहार। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल, मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदे। एक बार फिर से जरूर पधारे जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन। ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोपग्राहे के नजदीक संतर रोड धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर कॉर फॉर्म, क्लीवेल, GK, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने काट दिए फर्जी पट्टे। जनसुनवाई में सामने आया मामला। कलेक्टर ने दिए FIR के निर्देश। अटल सेवा केंद्र तसीमो पर गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई हुई, जिसमें धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने पहुंचकर जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान किसान सम्मान निधि, शौचालय के भुगतान, रेवेन्यू तथा PHD की अधिकतर समस्याएं सामने आई। रजोरा खुर्द सरपंच श्याम परमार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्षों से अधूरे टंकी निर्माण के अलावा गांव में पाइपलाइन बिछाने के लिए अनियमितता पूर्वक किए गए कार्य की जिला कलेक्टर से शिकायत की। आमजन की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर काफी सख्त देखे गए। उन्होंने मौजूद समस्त विभागों के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वह लोगों को भटकाए नहीं, समस्याओं का समय पर निस्तारण करें। जनसुनवाई के दौरान फर्जी पट्टों को लेकर शिकायतें गूंजती रही।
सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी, ग्राम पंचायत सचिव के अलावा कई लोगों ने जिला कलेक्टर से फर्जी पट्टे प्रकरण को लेकर शिकायतें की। ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर भू माफिया के द्वारा सरपंच और सचिव के फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर पट्टे जारी कर लिए। इसके अलावा फर्जी पट्टों को मिली भगत से तहसीलदार के द्वारा उनको रजिस्टर्ड भी कर दिया गया। खसरा नंबर 1991 में फर्जी तरीके से पट्टे काटकर सरकारी जमीन को हड़पने के लिए अधिकारियों से मिली भगत सामने आई है। पूरे प्रकरण को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभागीय जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, ADM ब्रह्मलाल जाट, SDM साधना शर्मा, जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी, महेश शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सैपो, जयंती लाल मीणा, CMHO धौलपुर, बिजली निगम के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे ज्यादातर लोगों को जो PM किसान सम्मान निधि से लाभ मिलने का जो इशू है उसमें काफी शिकायतें मिली है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट के अभाव से जनाधार में मिसमैच के वजह से, और काफ़ी लोगों के FTO लग चुके हैं बट पेमेंट अभी नहीं आया, तो ये इशू है। और जो फर्जी पट्टा प्रकरण भी गिराया है, वो क्या मामला है? फर्जी पट्टा प्रकरण में ये है कि कुछ सरपंच द्वारा और सेक्रेटरी द्वारा बताया गया कि पट्टा जो है बिना उनके अनुमति से किसी ने गलत साइन करके फोर्जरी करके पट्टा जारी किया, उसको बाद में रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, और उसमें हम एक तो सर पंचायत के माध्यम से जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं धोखाधड़ी और फोर्जरी इन सब के बारे में, और साथ ही पट्टा तहसील से हुआ है। जी जी, तो वो जो भी पहले जो तहसीलदार थे उनको देखना चाहिए था कि रजिस्ट्रेशन से पहले वो खातेदारी में है या सिवाय चाके, ये सब देखना चाहिए था, नहीं देखा तो जांच करके जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करना ज़रूर करेंगे, और साथ ही जो पट्टा जो अवैध तरीके से जो जारी हुआ है उसको निरस्त करने का कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर के निरीक्षण के बाद मचकुंड की साफ सफाई शुरू। तीर्थराज मचकुंड पर खुलेगी अन्नपूर्णा रसोई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बुधवार को अचानक तीर्थराज मचकुंड धौलपुर का नगर परिषद आयुक्त के साथ निरीक्षण किया, जिसमें मचकुंड सरोवर में गंदगी दिखाई दी, जिस पर जिला कलेक्टर ने फटकार लगाई और सरोवर की साफ सफाई करने के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद तीर्थराज मचकुंड की साफ सफाई शुरू हो गई है। वहीं जिला कलेक्टर ने यहां आने वाले पर्यटकों और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मचकुंड पर अन्नपूर्णा रसोई खोलने को लेकर निर्देश दिए हैं। नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर ने मचकुंड पर अन्नपूर्णा रसोई खोलने के निर्देश दिए, जो करीब एक महीने में शुरू कर दी जाएगी। जिला कलेक्टर महोदय, नगर परिषद कमिश्नर आए और उन्होंने मचकुंड की सफाई के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए कि शीघ्र लोगों को जो परेशानी हो रही थी या गंध आ रही थी उसको शीघ्र से शीघ्र दूर की जा सके, ताकि पर्यटकों को बढ़ावा मिले, और साथ ही यहाँ पर अन्नपूर्णा क्षेत्र भी चलाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए, जिससे यहाँ पर्यटकों को, गरीबों को और आने जाने वाले ऑटो वाले अन्य जो लोग आते हैं यहाँ श्रद्धालु, उनको भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से तीर्थराज मचकुंड में मिलेगी। ये एक सराहनीय कदम है, इसमें जिला कलेक्टर महोदय के लिए हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं, तो उन्होंने तीर्थराज मचकुंड के इस तरीके का विचार अपने द्वारा किया। सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर जमादार सस्पेंड। नगर परिषद धौलपुर के नए आयुक्त अशोक कुमार शर्मा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त बने हुए हैं, जिसे लेकर उन्होंने सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर एक जमादार को सस्पेंड कर दिया है। आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम को कास्तपाड़ा क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया था, जिसमें सफाई कार्य में लापरवाही मिलने पर जमादार नरेश को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सफाई कार्य को लेकर नए आयुक्त पूरी तरह सख्त बने हुए हैं। उन्होंने गुरुवार को भी शहर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था उच्च कोटि की रखना ही मेरा पहला लक्ष्य है,
इसे लेकर शहर में लगातार अभियान चलाया जाएगा और निरीक्षण किए जाएंगे। हर हाल में धौलपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरा बनाना है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले आयुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद, जमादार और अधिकारी कर्मचारियों की नगर परिषद सभागार में बैठक भी ली थी। नींद संबंधी समस्या के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 10 मार्च 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीवी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता: बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785474715 पर कॉल करें। नगर परिषद के पार्षद और कर्मचारी हृदयांश की आर्थिक मदद को आए आगे। कर्मचारी देंगे एक दिन का और पार्षद देंगे एक माह का वेतन। पार्षद भाई बहन अकील अहमद और राबिया खान कल ही कर चुके हैं एक माह का वेतन देने की घोषणा। धौलपुर जिले के मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा के बेटे हृदयांश की मदद के लिए चारों तरफ से आर्थिक मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं और लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। हृदयांश की मदद के लिए कल बुधवार को नगर परिषद धौलपुर के पार्षद भाई बहन अकील अहमद और राबिया खान ने अपना एक माह का वेतन देने की घोषणा की थी। वहीं आज गुरुवार को नगर परिषद के सभी पार्षद और अधिकारी कर्मचारी हृदयांश की आर्थिक मदद के लिए आगे आ गए हैं। इसे लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता में परिषद सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभापति खुशबू सिंह की अपील पर स्वेच्छा से तय किया गया कि हृदयांश को परिषद के सभी कर्मचारी अधिकारी एक एक दिन का वेतन देंगे तथा पार्षद एक एक माह का वेतन देंगे। इस सभापति की पहल पर हुए इस निर्णय का सभी ने ताली बजाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि उपनिरीक्षक नरेश चंद शर्मा का 22 माह का बेटा अति दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसे लेकर उसे 17.5 करोड़ रुपए की लागत का इंजेक्शन लगना है। बैठक में उपसभापति माया शर्मा, आयुक्त अशोक कुमार शर्मा, RI कुलदीप सिंह, CSI प्रकाश श्रीवास्तव, SI ब्रजभान सिंह सहित पार्षदगण मौजूद रहे। आज की जो विशेष आम सभा बुलाई थी हमने, उसका एक बेसिक उद्देश्य यह था कि अपने यहाँ मनिया के SHO साहब हैं, उनके बेटे हैं जो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उनको वैक्सीनेशन के लिए जो महंगा आता है वो टीका है, वैक्सीनेशन होना है उनका, तो इसमें जो सभी पार्षदगणों ने अपनी स्वेच्छा से एक माह का वेतन और जो भी उनकी स्वेच्छा होगी और कर्मचारी और अधिकारीगणों ने एक दिन का वेतन उनको सहयोग राशि के रूप में दिए जाने का निर्णय किया गया। आज नगर परिषद में आम सभा की मीटिंग बुलाई गई और उसमें हमारा जो आज की मीटिंग का मुद्दा था वो ये था कि जो मनिया में हमारे SHO साहब लगे हुए हैं, उनका बेटा है अध्यांश जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया है, तो हमारा मोटिव ये था कि मानवता के नाते नगर परिषद की तरफ से हम उसकी कुछ मदद कर सकें। तो हमने ये प्रस्ताव रखा, सबसे निवेदन किया कि सभी पार्षद और कर्मचारी अपनी तरफ से जो भी उसकी सहायता कर सके, तो हमने ये इसमें मीटिंग में डिसाइड हुआ कि सभी पार्षद अपनी स्वेच्छा से एक महीने की अपनी तनख्वाह और कर्मचारी अपनी एक दिन की तनख्वाह देकर उसकी सहायता करें। धन्यवाद। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत
निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को खुशियों से भर दे तथा आप सभी हमेशा प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना, आरटीओ ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, जीटी रोड, मनिया। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नाले वाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। शहर में अव्यवस्थित तरीके से खड़ी कार और बाइक को किया जब्त। क्रेन से उठवाकर जब्त की कारें। यातायात पुलिस ने धौलपुर शहर में चलाया अभियान। यातायात पुलिस धौलपुर की नई प्रभारी टीनू सोगरवाल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने जिस दिन से कार्यभार संभाला है उस दिन से ही शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरे मन से लगी हुई नजर आ रही हैं। वे लगातार दुकानदारों की समझाइश कर रही हैं और दुकानों के बाहर किए जा रहे अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाने की गुजारिश दुकानदारों से कर रही हैं। पिछले कई दिन से चल रहे समझाइश के दौर के बाद गुरुवार को TI टीनू सख्त तेवर में नजर आई। उन्होंने शहर में अव्यवस्थित तरीके से खड़ी कार और बाइकों को जब्त किया जिनके चालान भी काटे गए। TI टीनू सोगरवाल ने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से गुरुवार को लाल बाजार, चूड़ी मार्केट, संतर रोड, जगन चौराहा, हनुमान तिराहा सहित धौलपुर शहर में अन्य जगह अभियान चलाया गया, जहां जो भी चार पहिया वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े मिले उन्हें क्रेन की सहायता से उठवाकर जब्त किया गया। वहीं दो पहिया वाहनों को भी जब्त करवाकर गाड़ी में रखकर गुलाब बाग लाया गया जिनके चालान काटे गए। TI सोगरवाल ने बताया कि धौलपुर शहर को जाम की समस्या से मुक्त करना मेरा मुख्य उद्देश्य है, जिसे लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अब तक लोगों की समझाइश की जा रही थी, अब धीरे धीरे सख्ती की जा रही है। यदि लोग नहीं सुधरे तो यह सख्ती और भी तेज की जाएगी। पिछले दिनों हमने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी और आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के निर्देशन में हमने जो नो पार्किंग वाहन और जो वाइट लाइन के बाहर वाहन खड़े होके उनकी वजह से जाम लगता है आए दिन, उन वाहनों को क्रेन स्वामी नहीं होने पे उन वाहनों को क्रेन के द्वारा उठाया गया और उनके चालान किए जा रहे हैं। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि आप अपने व्हीकल को पार्क कर रहे हैं तो कम से कम उसको साइड में पार्किंग करिए ताकि आने वाले लोगों को कोई व्यवधान नहीं हो और यातायात भी प्रभावित नहीं हो। हमारी ये कार्रवाइयाँ नियमित रूप से चलती रहेंगी, जारी रहेंगी। राम क्रॉकरी एंड किचन अप्लायंस स्टोर का हुआ उद्घाटन। महारानी पैलेस मार्केट चूड़ी बाजार धौलपुर में गुरुवार को राम क्रॉकरी एंड किचन अप्लायंस स्टोर का विधि विधान से पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया गया, जिसका तोप वाली माता पुरानी छावनी के महाराज शिव चरण दास जी के द्वारा फीता काट कर विधिवत पूजन के साथ उद्घाटन किया गया। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी और नितिन त्रिवेदी पुरानी छावनी वालों ने बताया कि हमारी दुकान पर
किचन से संबंधित सभी सामान उचित कीमत पर मिलेगा। ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, समाज सेवी प्रशांत हुंडावाल, पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत, राजकीय संवेदक बोहरे सचिन शर्मा, लोकेंद्र राणा, अतुल भार्गव एडवोकेट, संजय त्रिवेदी, पवन शर्मा, संग्राम राणा, भोला राणा, सुनील जगरिया, बॉबी बोहरे, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, पार्षद अकील अहमद आदि बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने दुकान की प्रशंसा की। यात्रियों के लिए झांसी मंडल की कुछ ट्रेनें रहेंगी निरस्त। झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई दतिया डबरा के मध्य स्थित कोटरा स्टेशन पर तीसरी लाइन के प्रतिस्थापन के लिए चल रहे यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया है और कुछ को रेगुलेट किया है। रेलवे प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार 14 से 15 मार्च तक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा, 15 से 16 मार्च तक आगरा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और 9 मार्च को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा मेमू अपने प्रारंभिक स्टेशन से ही निरस्त रहेगी। वहीं 14 मार्च को हावड़ा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस को बांदा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच 65 मिनट तक, 15 मार्च को बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सोनागिर के बीच 10 मिनट तक खड़ी रहेगी। इसके साथ ही पातालकोट एक्सप्रेस धौलपुर डबरा के बीच 14 मार्च को 30 मिनट एवं 15 मार्च को 50 मिनट, जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस को ग्वालियर डबरा के बीच 14 मार्च को 20 मिनट एवं 15 मार्च को 40 मिनट खड़ी रहेगी। कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को धौलपुर डबरा के बीच 15 मार्च को 60 मिनट, सचखंड एक्सप्रेस को ग्वालियर डबरा के बीच 15 मार्च को 35 मिनट और दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस को धौलपुर ग्वालियर के बीच 15 मार्च को 60 मिनट खड़ी रहेगी। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों ने जिला कलेक्टर को सुनाई कविता। नई पोशाक पाकर खिले बच्चों के चेहरे। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीची ने गुरुवार को ग्राम पंचायत पचगांव के आंगनवाड़ी केंद्र नरपुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय केंद्र पर महिला सप्ताह अंतर्गत गतिविधि आयोजित की जा रही थी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र पर प्राप्त यूनिफॉर्म का बच्चों को वितरण किया। नए यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। मौके पर बच्चों ने थोड़ी देर की बातचीत में ही जिला कलेक्टर से सहज होते हुए उन्हें कविता सुनाई। जिला कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं को दिए जाने वाले पोषाहार, बच्चों की पूर्व शाला शिक्षा की स्थिति, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं एनीमिया के संबंध में जानकारी ली तथा केंद्र पर बच्चों की वजन की निगरानी और किशोरी बालिकाओं की एनीमिया की जांच का स्वयं अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक किशोरी बालिका एवं महिलाओं की एनीमिया की ठीक तरीके से जांच की जाए ताकि समय पर समाधान किया जा सके। इस मौके पर महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विश्वदेव पांडे, सहायक लेखाधिकारी मांगीलाल आर्य, महिला पर्यवेक्षक ममता जैन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सविता, सहायिका रेखा, सहयोगिनी ममता, साथिन मीना, एएनएम मीना आदि उपस्थित रही। एडिशनल एसपी एडीएफ कमल कुमार जांगिड़ ने संभाला पदभार। एडीएफ के एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ ने गुरुवार को कृषि उपज मंडी बाड़ी स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद एडिशनल एसपी ने बाड़ी शहर और उपखंड के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नागरिक शहर में होने वाली किसी भी वारदात या घटना की पूर्व में पुलिस को सूचना दें, जिससे घटना को घटित होने से रोका जा सके। वहीं उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव और त्योहारों पर शांति बनाए रखना पहली प्राथमिकता। एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। धौलपुर में उनका पहली बार आगमन हुआ है।
इससे पूर्व वे बांसवाड़ा, गंगानगर, डूंगरपुर और जयपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान एडिशनल एसपी ने कार्यालय के स्टाफ से मुलाकात की और डांग सहित विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी ली। साथ में दस्यु उन्मूलन अभियान को लेकर भी अब तक किए गए कार्यों की पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। धौलपुर जिले में पहली बार पोस्टिंग हुई है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना और आगामी जो लोकसभा चुनाव है और विभिन्न प्रकार के त्योहार है उनको शांति पूर्वक सम्पन्न करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। बस सभी करते हैं कि जब भी आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आए, कोई इशूज न किसी भी प्रकार की, तो हमें पुलिस को सूचित करें और हमारा सहयोग करें। मूल रूप से धुना का रहने वाला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर और जयपुर में पोस्टिंग हुई है। धौलपुर में पहली बार सेवा करने का मौका मिला। निपटाऊ नहीं शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें, कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम, प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजा खेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. Joy e-bike लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता, मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च, सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध, एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव, आपके शहर में ही सर्विस सेंटर, धौलपुर बाड़ी बसेड़ी, सर मथुरा राजाखेड़ा, मनिया सैपाव करौली, हिंडौन नादौती, मड रॉयल मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी टोडा भीम कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिगो ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। लोकतंत्र व गणतंत्र में वोट के महत्व को समझाया। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में स्वीप लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत 100% मतदान करवाने के उद्देश्य से संस्थान की ईएलसी कमेटी के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को मतदान की शपथ दिलाई गई तथा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने एवं नाम चेक करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा संचालित विभिन्न एप्लीकेशन, वोटर हेल्पलाइन, सक्षम KYC, सी विजिल एवं सुविधा ऐप के बारे में अवगत कराया गया। वहीं वोटर पोर्टल एवं NVSP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को मेरा पहला वोट देश के लिए थीम पर वीडियो दिखाए गए, जिसमें देश के पहले वोटर श्याम शरण नेगी 1919 से 2022 पर चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया वीडियो सहित अन्य वीडियो दिखाए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य हेलेंद्र हरदेनिया ने छात्रों को चुनाव आयोग की 1950 से अब तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न उदाहरणों से मतदान की उपयोगिता एवं अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को लोकतंत्र एवं गणतंत्र में वोट के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर सहदेव मीना, जितेंद्र कुमार, लवकुश, अविनाश गुप्ता, विनोद कुमार बुंदेला सहित कॉलेज के प्रवक्ता व कर्मचारी उपस्थित रहे। आंगनवाड़ी महिला कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री धर्मेंद्र त्यागी ने बताया, आंगनवाड़ी महिला कर्मियों ने धौलपुर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजस्थान आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथियों तथा शिशु पालना गृह महिलाओं को स्थायी किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 30% पद को आरक्षित रखने की बात कही गई थी।
संघ के जिला मंत्री धर्मेंद्र त्यागी ने बताया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखंड राजाखेड़ा में वरिष्ठ लिपिक लक्ष्मी नारायण काफी लंबे समय से राजाखेड़ा पद पर स्थापित हैं। वरिष्ठ लिपिक द्वारा कर्मचारियों के कामों में आनाकानी की जाती है तथा बिना कुछ ऑब्लाइज किए कोई काम नहीं करते हैं। इसे लेकर भी संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वरिष्ठ लिपिक लक्ष्मी नारायण का सरकार द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया है, लेकिन सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखंड राजाखेड़ा द्वारा उसे रिलीव नहीं किया जा रहा है। इसे प्रतीत होता है कि जल जीवन मिशन राजाखेड़ा में हेराफेरी हुई है। ज्ञापन में बताया गया कि 10 दिन में उनकी सुनवाई नहीं होती तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को विवश होना पड़ेगा। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल, मंजू रजक, उषा शर्मा, मनोरमा, उषा भट्ट, कमलेश, मनोरमा, ज्योति वर्मा, सुनीता, रेखा रानी, मंजू, शशि, उषा देवी, जूली खान आदि उपस्थित रही। राजाखेड़ा जलदाय विभाग के उपखंड अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण जी, जिनका स्थानांतरण जिला VMS द्वारा करवाया गया था मंत्री महोदय की अभिशंसा पर, और उसको जलदाय विभाग के सहायक अभियंता द्वारा अभी तक रिलीव नहीं किया गया है, जिसमें अगर उन्हें 10 दिन के अंदर रिलीव नहीं किया जाता है तो भारतीय मजदूर संघ जलदाय विभाग धौलपुर में 10 दिन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में हम सभी बहनों के लिए कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 13,000, सहायिका को 7,500 और आशा सहयोगिनी को 6,500। अपनी BMS की जो सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तब वो हमें करेंगे, लेकिन उनने अभी तक हमारे मानदेय में केवल 10% बढ़ोतरी की है, जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला, पंडित साकेत बिहारी शर्मा, कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा गांधी पार्क धौलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरना विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। अदालत ने राजनीतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने का निर्देश दिया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिया गया था। इस फैसले का देश भर में काले धन के खिलाफ निर्णायक कदम के तौर पर व्यापक स्वागत किया गया। जिला परिषद सदस्य मास्टर किरोड़ी लाल जाटव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक पर दबाव बनाकर सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव लीना शर्मा एवं सेवा दल की जिला अध्यक्ष श्रमधी दीक्षित ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इस दौरान मदरसा बोर्ड के संयोजक सेवा दल प्रभारी सुलेमान फारूकी, पूर्व पार्षद राम सिंह कोली, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, जगदीश प्रसाद त्यागी, अनीस खान, पार्षद जीतू कंसाना आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन महासचिव धनेश जैन ने किया। भाजयुमो की विस्तारक कार्यशाला का हुआ आयोजन। भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा मनिया में विस्तारक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने सभी युवा साथियों को नमो ऐप डाउनलोड करवाकर पीएम मोदी के एम्बेसडर के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प दिलाया। जिला उपाध्यक्ष रिंकू पोसवाल और पुष्पेंद्र तिवारी ने बताया कि राजस्थान का युवा बूथ स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर सुरदीप कुशवाहा, यज्ञेश त्यागी, दिलीप कौशिक, अशोक पोसवाल, बनवारी गुर्जर, दिनेश शर्मा, लोकेंद्र शर्मा, बंटी राजपूत,
तोताराम राजपूत, नरेंद्र पोसवाल, सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे। अनुभवी ब्यूटिशियन की आवश्यकता। सैलून के लिए धौलपुर में अनुभवी ब्यूटिशियन की आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार। इच्छुक लड़की या महिला शीघ्र संपर्क करें। द ब्यूटी स्पोर्ट सैलून, नालेवाला रोड, जगदीश टॉकीज के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7849920124। केवल महिलाएं ही कॉल करें। डिस्कॉम ने बकायादारों के उतारे ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले की बसेड़ी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग ने बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत डिस्कॉम के कार्मिकों ने विद्युत कनेक्शन काटने व ट्रांसफार्मर उतारने की कार्यवाही की। सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि अभियान के तहत बसेड़ी क्षेत्र के गांव कुनकुटा में 10,13,000, राम सहायकापुरा में 5,31,000, गपुआपुरा में 5,75,000, पिपरौन में 4,25,000 व बांसुरई में 4,80,000 रुपए की राशि बकाया होने पर कार्यवाही की गई है, जिसमें ट्रांसफार्मर उतारने के साथ कनेक्शन भी काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पशुओं से खचाखच भरा कंटेनर पकड़ा, चालक गिरफ्तार। कट्टी घर के लिए ले जाए जा रहे 55 पशु कराए मुक्त। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बंद कंटेनर में कट्टी घर के लिए ले जाए जा रहे पशुओं को मुक्त कराया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जब कंटेनर को खोल कर देखा तो उसमें ठूस ठूस कर पशु भरे हुए थे, जिनके मुंह रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस ने कंटेनर में से 55 पशुओं को मुक्त कराया है, जिनमें 10 पाड़े एवं 45 भैंसे शामिल हैं। मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि गुरुवार दोपहर के समय मुखबिर से सूचना मिली कि कट्टी घर के लिए कंटेनर में भरकर पशु ले जाए जा रहे हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन किया और नेशनल हाईवे स्थित सुआ का बाग पर नाकाबंदी कराई। तभी मुरैना धौलपुर की तरफ से पशुओं से भरा एक कंटेनर पुलिस को आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोका तो चालक भागने लगा। तभी पुलिसकर्मियों ने चालक को भागते हुए घेर कर पकड़ लिया और कंटेनर को लाकर थाने में खड़ा कर दिया, जहां तलाशी के दौरान पाया कि कंटेनर में ठूस ठूस कर पशु भरे हुए थे, जिनके मुंह रस्सी से बंधे हुए थे। सभी को एक एक करके बाहर निकाला, जिसमें कुल 55 पशु निकले। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि कार्यवाही के दौरान मौके से इरफान पुत्र शेर खान पठान निवासी कस्बा खानपुर थाना औरैया उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। साथ ही पशु तस्करी को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आम जन से भी अपील की है कि पशु क्रूरता को लेकर यदि कोई जानकारी हो तो थाने में दे, संबंधित का नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में कांस्टेबल बंटी सिंह, लोकेश कुमार, अरविंद कुमार शामिल रहे। आजीविका के लिए महिलाओं को वितरित की सिलाई मशीन। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा गुरुवार को विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत कुल 60 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए टूल किट के रूप में सिलाई मशीन वितरित की गई। सिलाई मशीन के साथ पैरदान, कैंची व बैठने के लिए स्टूल भी उपलब्ध करवाए गए। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपरांत आवश्यक टूलकिट उपलब्ध करवाकर उन्हें आजीविका के एक और साधन से जोड़ना, ताकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाएं एक कदम और आगे बढ़ सकें, साथ ही उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान हो सके। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी धौलपुर मिथिलेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने सभी लाभान्वित महिलाओं को प्रोत्साहित किया एवं भारत व राज्य सरकार के राजीविका की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में महिलाओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन राजीविका के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पंकज यादव एवं सहेली उन्नति राजीविका CLF के स्टाफ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राजीविका जिला परिषद धौलपुर से प्रबंधक वित्त नरेंद्र शर्मा, जिला प्रबंधक अनिल आदि उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।